بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। पहले ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड पे नज़र डालते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच द इलेक्ट्रिक फोर्स आर कूलम्स फोर्स कैन बी फेल्ट। The region around a charge in which the electric force or coulomb force can be felt is called electric field. किसी चार्ज के, ख्वाह वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, उसके इर्द गिर्द वो रीजन, वो स्पेस, वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज उस पहले चार्ज को फील कर सके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील कर सके, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये रीजन, दिस रीजन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, दिस रीजन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। अगर यहाँ पे मैं लेट्स से एक टेस्ट चार्ज लाऊं, एक दूसरा चार्ज रखूं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। नाउ इस एरिया में ये चार्ज फोर्स ऑफ रिपल्शन फील नहीं करेगा क्योंकि ये इस फील्ड से, इस रीजन से बाहर है। इस चार्ज का फोर्स यहाँ तक है, इस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का फोर्स यहाँ तक है, यहाँ से बाहर इसका फोर्स नहीं है। तो ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस पहले चार्ज के फोर्स को यहाँ फील नहीं करता, फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे फील नहीं करता, सो दिस इज नॉट अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इस चार्ज को मैं यहाँ रख दूँ, ए यहाँ मैंने रख दिया इस पॉजिटिव चार्ज को, नाउ दिस चार्ज कैन फील द इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज, दिस चार्ज कैन फील कूलम फोर्स, दिस चार्ज कैन फील द फोर्स ऑफ रिपल्शन, बिकॉज दीज टू पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर। सो दिस चार्ज, टेस्ट चार्ज नाउ इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ दिस चार्ज इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई दिस पॉजिटिव चार्ज। देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज अपने इर्द गिर्द अगर कोई फील्ड प्रोड्यूस करे तो इसको हम कहते हैं फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नाउ वी कैन सी दिस फील्ड इज क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज, दिस फील्ड इज क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज, सो दिस फील्ड इज कॉल्ड फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज के यहाँ ये इर्द गिर्द का रीजन, स्पेस जो इस चार्ज के अराउंड है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये फील्ड नेगेटिव चार्ज ने प्रोड्यूस किया है, ये फील्ड नेगेटिव चार्ज ने क्रिएट किया है, इसलिए इसको हम कहेंगे फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसे हम क्या कहेंगे, फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज। याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। तो देखें, ये एरो क्या शो कर रहे हैं, एरो शो कर रहे हैं कि ये फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एरो टूवर्ड द चार्ज है, यहाँ पे एरो आउटवर्ड द चार्ज, यहाँ पे एरोज टूवर्ड द चार्ज, यानी फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन आर स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच द कूलम फोर्स कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के इर्द गिर्द का वो रीजन, वो स्पेस, वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज पहले चार्ज के फोर्स को महसूस कर सके,
उस रीजन, उस स्पेस, उस एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के जरिए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब दो चार्जेस हैं, उसके दरमियान फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनविजिबल है, ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये तो बिल्कुल रेस की तरह है, सूरज की रेस की तरह है, या बाकी जो फोर्सेस हैं जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, मैग्नेटिक फोर्स हुआ, तो ये फील्ड या ये फोर्स भी जो दो चार्जेस के दरमियान है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये फोर्स कहाँ तक है, तो उस कहाँ तक को हम कहते हैं फील्ड। तो अब ये फील्ड हमें नज़र तो नहीं आता, तो इसको ड्रा करने के लिए, इसको पेपर पे शो करने के लिए कि ये फील्ड, ये रीजन कहाँ तक है, उसको हम लाइंस के ज़रिए ड्रा करेंगे, और उस लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दोज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा देखें, यहाँ पे हमारे पास टू चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के दरमियान ये फील्ड है। यहाँ पे यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस हैं, वो यहाँ तक हैं, उसका असर यहाँ तक है, तो इसको हम इस लाइंस के जरिए शो कर रहे हैं कि ये फील्ड यहाँ यहाँ तक है। यहाँ पे अगर मैं कोई चार्ज रखूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई चार्ज रखा, दूसरा चार्ज रखा पॉजिटिव चार्ज, तीसरा चार्ज, तो यहाँ पे ये चार्ज इन दोनों चार्ज के फोर्सेस को फील कर सकेगा, यानी ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं और ये अनलाइक चार्जेस हैं। तो हम कहते हैं कि ये चार्ज विद इन द फील्ड है, ये चार्ज कहाँ है, विद इन द फील्ड, क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज दोनों चार्जेस के फोर्सेस को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सो दिस चार्ज नाउ इज विद इन द फील्ड। अच्छा, मैंने कहा कि इस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात यह है कि फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा, ओरिजिनेट होगा पॉजिटिव चार्ज पे, टर्मिनेट होगा नेगेटिव चार्ज पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। ये तो हो गई पहली बात कि ओरिजिनेट कहाँ से होगा और टर्मिनेट कहाँ पे होगा। ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज पे होगा, अगर दो चार्जेस हैं हमारे पास, अनलाइक चार्जेस या लाइक चार्जेस, चलो अनलाइक चार्जेस हमने यहाँ पे लिए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म होगा। तो देखिए ये एरोज भी यहाँ शो यानी कर रहे हैं कि ये फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट हो रहे हैं और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। अच्छा, फिर ये देखते हैं कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड, कौन से पॉइंट पे इस फील्ड के अंदर कहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फोर्स या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कहाँ पे वीक है, कहाँ पे ये फील्ड स्ट्रांग है और कहाँ पे ये फील्ड वीक है। अगर आप देख लें, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्राउडेड है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे ये फील्ड स्ट्रांग होगा। अगर आप देख लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रीजन जो है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल क्राउडेड हैं, ज़्यादा है, थोड़े एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। तो एट दिस पॉइंट जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हो एक दूसरे के, वहाँ पे ये फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, वहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे इस लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, ये क्राउडेड हैं, पुरहजूम हैं, क्लोज टुगेदर हैं, सो एट दिस पॉइंट द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, या इस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अगर हम देख ले तो फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, देखिए
जहां पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस एक दूसरे से दूर हो। यहां देखिए, यहां डिस्टेंस ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो यहां पे ये फील्ड वीक होगा। यहां पे फील्ड क्या होगा, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, एक दूसरे से फासले पे हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से डिस्टेंस पे हो या इनके दरमियान फासला ज्यादा हो, तो समझ ले कि यहां पे फील्ड वीक है। और जहां पे ये क्लोज टुगेदर हो, एक दूसरे के नजदीक हो, तो यहां पे फील्ड स्ट्रांग होगा। सो एट द पोल्स या नियर द चार्जेस द फील्ड इज स्ट्रांगर एंड अवे फ्रॉम द चार्जेस द फील्ड इज वीकर। तो ये क्या है, यानी वीक और ये स्ट्रांग। अच्छा, एक दोनों चार्जेस के दरमियान एक ऐसा पॉइंट भी होगा जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। वो ये है, ये जो क्रॉस में लगाए हैं, चूंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दिस इज न्यूट्रल पॉइंट, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का क्या मतलब है, ये एक फील्ड लाइन, ये दूसरा फील्ड लाइन, तो ये दोनों क्या हुए, इंटरसेक्ट हुए। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जाहिरी बात है कि जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल है। यानी दो ही कंडीशन हो सकती है, जब लाइन पैरेलल हो तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो लाइन क्या है, वो पैरेलल लाइन है। सो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी पैरेलल, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, फिर जो फील्ड यूनिफॉर्म कहाँ पे होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये लाइन ज्यादा स्ट्रेट हो, जहाँ पे ये लाइन ज्यादा स्ट्रेट हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। तो देखें, अगर आप ये वाला रीजन देखें तो यहाँ पे ये लाइन स्ट्रेट है, या ये वाला, यहाँ पे लाइन क्या है, स्ट्रेट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है। सो एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यकसा होगा, यानी वेरी नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी, मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके स्टूडेंट, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो एरिया जिसमें कूलम्स ला या कूलम्स या इलेक्ट्रिक फोर्स को फील किया जा सके, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जो वो फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज बनाता है। फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वो फील्ड जो नेगेटिव चार्ज अपने इर्द गिर्द क्रिएट करता है, उसको हम फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज कहेंगे। अच्छा, अगर दो चार्जेस हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल अनलाइक चार्जेस, सो देर इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू चार्जेस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइन्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, उस लाइन्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। दीज लाइन विल ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड विल टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। वंस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम वेयर द लाइन्स आर क्लोज टूगेदर, जहाँ पे लाइन एक दूसरे के क्लोज हो तो वहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, और जहाँ पे लाइन एक दूसरे से दूर हो वहाँ पे मैग्नीट्यूड फील्ड का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। जहाँ पे लाइन यानी स्ट्रेट हो वहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे अगर आप देख लें
तो ये लाइन यहाँ पे स्ट्रेट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा दोनों फील्ड के दरमियान, वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो ये पॉइंट है जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाए हैं, ये न्यूट्रल पॉइंट है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू चार्जेस, ये खाली जगह है। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। What is electric field intensity? Intensity जिस तरह नाम से जाहिर है शिद्दत, के इस electric field की शिद्दत कहाँ पे ज़्यादा होगी। देखिए, the strength of the field at any point, किसी भी point पे field का जो strength है, उसकी जो ताकत है, उसको हम electric field intensity कहेंगे। देखिए, ज़ाहिरी बात है कि अगर यहाँ पे हम field के strength को मालूम करें इस चार्ज के करीब, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इस चार्ज के करीब रखूं, तो जाहिरी बात है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, फील्ड की शिद्दत ज़्यादा है। ये दोनों चार्जेस विद मैक्सिमम फोर्स विल रिपेल ईच अदर, दीज चार्जेस विल रिपेल ईच अदर विद मैक्सिमम फोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स के जरिए एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे रखूँ एट द बाउंड्री, तो यहाँ पे फील्ड जो है, फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, फील्ड वीक है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दोनों पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान, वो बहुत वीक होगा। तो यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक है, यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ वो यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो देखें, किसी भी या ये पॉइंट या ये पॉइंट, दोनों पॉइंट पे फील्ड के स्ट्रेंथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी। चार्ज के जो सोर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड सोर्स, सोर्स के करीब फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, सोर्स से दूर फील्ड का स्ट्रेंथ वो कम होगा, फील्ड वीक होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम इसका मैथमेटिकल यूनिफॉर्म देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करेंगे, वी विल डिनोट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाई ई, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी चार्ज की डिफिनेशन, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनेशन क्या है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट चार्ज पे जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, वट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चूंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما